हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग क्लास। आज का टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। तो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो किस फॉर्म में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके साथ कुछ उससे मिलते जुलते एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात की जाए तो आपको एक वर्ड जो है दिया होगा, उसका कोड उसके साथ दिया होगा, ठीक है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस वर्ड के लिए कोड किस तरीके से दिया गया है, और सेम आपको सेकंड वर्ड के लिए जो है वही चीज़ अप्लाई करके जो है सेकंड वर्ड का कोड निकालना है। तो इस तरह से या तो आपको जो डिकोड या कोड जो है, सॉरी, जैसे मास्टर वर्ड है, मास्टर के लिए कोड या तो इस तरह से नंबर्स में दिया होगा या फिर इस तरह से अल्फ़ाबेट में ही दिया होगा, ठीक है। तो दो तरीके से आपको दिया जा सकता है या किसी और भी वे में पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं क्वेश्चंस एग्जांपल को लेते हुए इसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट हम कोडिंग डिकोडिंग में किस तरह के एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हमें अल्फ़ाबेट को कोड किया गया है अल्फ़ाबेट में ही, मतलब उसका जो कोडिंग है वो अल्फ़ाबेट्स में ही है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल्स हम पहले सॉल्व करते हैं। जैसे हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, जो हमारा टीजीटी 2014 में पूछा गया है एनवीएस के। तो इसमें क्वेश्चन था कि इफ़ माउस इज़ कोडेड एज दिस देन हाउ इज शिफ्ट रिटर्न इन द सेम कोड। अगर माउस के लिए ये कोड है, ठीक है, ये कोड माउस के लिए है, तो शिफ्ट के लिए जो है क्या कोड होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से वर्ड्स को लिख लीजिए, थोड़ा सा लिटिल गैप देते हुए ऐसे लिख लीजिए माउस, ठीक है। और उसके बाद जो है जो वर्ड पूछा गया है वो उसके बिल्कुल साथ में लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे करके रफ पार्ट में आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा गैप देते हुए इसको लिखना है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए इनको इस तरह से लिखिए, ठीक है। अब माउस का जो कोड है वो बिल्कुल उसके नीचे लिखिए, एम का पी है, ओ का आर है, सॉरी, हाँ, एम का पी है, ओ का आर है, यू का यू, देन एस का क्यू है और ई का सी है, यही है पी आर यू क्यू सी, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, अब हमें इसको इसके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर हम इसमें टू अल्फ़ाबेट आगे जाते हैं, एम एन ओ प्लस टू अल्फ़ाबेट आगे जाते हैं तो पी आ रहा है, तो इसमें भी टू अल्फ़ाबेट आगे जाइए, एस के बाद टी, यू के बाद क्या आएगा, वी आएगा, ठीक है। सेम वही आपको साथ के साथ करते जाना है, ओ के बाद पी क्यू, टू अल्फ़ाबेट प्लस टू पी क्यू किया हमने, देन आर, तो एच के बाद आई जे, आई जे के बाद के, टू अल्फ़ाबेट के बाद के आ गया, नेक्स्ट जो है यू, एज इट इज़ इन्होंने लिया है तो हम भी आई को एज इट इज़ ले लेंगे, एस के बाद इन्होंने सिर्फ एक अल्फ़ाबेट जो है, ओके, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, तो इन्होंने जो क्यू है वो उससे पिछला वाला लेटर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वन, मतलब रिवर्स में चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्यू के बाद एस आता है, तो एस से पहला वाला लेटर क्या है, क्यू है, तो F से पहले वाला लेटर क्या होगा फिर, D, ओके, ये सही से लिखना है, इसमें कोई गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, नेक्स्ट है हमारा, तो जैसे यहाँ पे S से पहले R, फिर R से पहले Q, ओके, Q R S, देन D E F, ओके, इस तरह से हमने एक लेटर रिवर्स का किया और उसको छोड़ के हमने नेक्स्ट पिछला वाला लिया। वैसे ही यहाँ पे ई से पहले क्या आता है, डी, और डी से पहले क्या आता है, सी, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, टी से पहले का लेटर छोड़ के उससे पिछला वाला लेटर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा आर, टी से पहले एस, एस से पहले आर। तो यहाँ पे प्लस टू लेटर का गैप दे रहे हैं, फिर यू एज इट इज़ ले लिया, यहाँ पे एक लेटर छोड़ के उससे रिवर्स वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको जो यहाँ पे रिलेशन होगा सेम वही रिलेशन यहाँ पे अप्लाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर है वी के आई डी आर, और यहाँ पे देख लीजिए ये है वी के आई डी आर, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है 2016 में। इफ़ कोड इज़ कोडेड एज दिस देन गिवन देन द कोड फॉर द वर्ड गिवन विल बी व्हाट, ओके। तो मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया है, द क्वेश्चन जो है वो सेम था कि इफ़ कोड, सॉरी, इफ़ कोड कुड बी गिवन द कोड दिस देन द व्हाट
कोड कैन बी गिवन टू द वर्ड गिवन. ठीक है, तो ये है हमारा. वैसे ही कर लीजिए इसको भी जैसे मैंने आपको बताया. कोई टाइम की वेस्टेज नहीं करनी है दोनों वर्ड्स को इस तरह से. सॉरी, हाँ, इसके लिए ये है, हमें इसके लिए फाइंड आउट करना है. ये किया, अब इसके नीचे जो दिया है वो लिख लीजिए. इसका कोड है DPME. अब आपने देखना है, बहुत इजी है ये वाला. PGT में पूछा गया था, एक सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था और फ्री के नंबर थे. सी का डी है तो जी का एच होगा, ओ का पी है तो आई का जे होगा, एल का एम है तो वी का यू डब्ल्यू होगा. यस, ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे. ठीक है, डी का ई है तो ई का एफ होगा, देन एन, मतलब हर एक नेक्स्ट लेटर ले रहे हैं तो एन का ओ होगा. ठीक है, आ गया आंसर HJWFO. तो डी इसका राइट आंसर था. कितना इजी है. ठीक है, इसका रिलेशन देखिए, सेम रिलेशन अप्लाई करते रहिए साथ के साथ, फिर अब नहीं तो भूल जाओगे. ठीक है, जैसे पहले के लिए किया, सी का नेक्स्ट डी है तो यहाँ भी उसके कर लीजिए. ज़रूरी नहीं है कि आपको सेकंड लेटर में नेक्स्ट लेटर ही दिया गया हो सकता है दो लेटर स्किप करके उसका नेक्स्ट दिया गया हो, तो उसे सेम वही रिलेशन को यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए. तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा बिना टाइम वेस्टेज के. इसी तरह से आपको और भी कई तरीके से एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं. जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक वर्ड ले रही हूँ, नेचर. ठीक है, तो ये है वर्ड नेचर. ये एक डिफरेंट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं. तो नेचर के लिए जो कोड है वो इन्होंने दिया है MASUQE. ये नेचर के लिए कोड है. और आपसे सेम कोड जो है फेमाइन के लिए पूछा गया है. ठीक है, फेमाइन. तो अब आपने इसका रिलेशन देखना है, NM. तो N के बैक में रिवर्स में हम जाएंगे तो पहले M आता है. ठीक है, तो F से पहले क्या आता है, G आता है. फिर A को इन्होंने एज इट इज़ ले लिया, हम भी एज इट इज़ ले लेंगे. T से पिछला लेटर क्या है, S है, तो M से पिछला लेटर क्या होगा, L होगा. उसके बाद U को एज इट इज़ ले लिया है, हम भी एज इट इज़ ले लेंगे. R से पहले क्या है, Q है. ठीक है, Q है R से पहले, तो N से पहले क्या होता है, M होता है. उसके बाद E as it is ले लिया, हम भी E as it is ले लेंगे. ईजिली हमें अपना आंसर मिल गया है. तो ये एक सिंपल एग्जांपल है. थोड़ा सा अब मैं इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करूँगी कि आपको अगर इसका डिफ़िकल्टी लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कैसा हो सकता है. तो उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब यहाँ पर देखिए, द वर्ड इज़ एडवेंचरस. ओके, वर्ड हमारे पास एडवेंचरस है और उसके लिए कोड दिया गया है ये. ठीक है, जब आपको वर्ड जो दिया गया है सेम वैसा ही कोड में भी वही लेटर्स हैं जो वर्ड में हैं. ठीक है, मींस जो लेटर हमने एडवेंचरस का जो स्पेलिंग है वही लेटर हमने इसके स्पेलिंग में यूज़ किए गए हैं, लेकिन वो क्या करे हैं, हमने आगे पीछे किए हुए हैं. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास आएँ, क्योंकि अगर हम पिछले के देखें तो जो कोल्ड के लिए कोड था उसमें जो लेटर थे ये सेम नहीं थे. ठीक है, यहाँ पे COLD है, यहाँ पे DPME है, तो PME इसमें नहीं है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो HJWFO कोई भी लेटर इसमें नहीं है. ठीक है, यहाँ पे भी लेटर डिफरेंट है, कुछ एक को छोड़ के, जैसे वॉवल सेम है बाकी लेटर डिफरेंट है. तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आ रहे हैं तो आपको इजीली उनके आगे या पीछे जाना है. लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एडवेंचरस के ही लेटर्स को घेर फिर के या उल्टा सीधा करके जो है उसका कोड बना दिया गया है. जो लेटर इसमें है वही लेटर्स इसमें हैं, समझ रहे हो इस बात को. तो जब आपके पास इस तरह की कोडिंग हो, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, तो भी उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है. बिना टाइम को वेस्ट किए आप क्या कीजिए, इसकी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और इसके लिए ज़रूरी है कि लेटर जो आप लिख रहे हो उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस दो और उसके ठीक सामने आपको जो है उसका कोड लिखना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं. ठीक है, तो आपने इसको नंबरिंग दे दी. अब आपसे जो वर्ड पूछा गया है सरप्राइजिंग, उसका कोड आपको बताना है. उसके लेटर्स भी नंबर कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10.
10 इसके हैं, 10 इसके हैं। अब बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब आप देखिए जो फर्स्ट नंबर पे ए है उसको चेंज किया है इन्होंने टी में, तो टी यहाँ पे किसने नंबर पे है, 6 पे है, तो फर्स्ट को इन्होंने 6 में चेंज किया है। ओके, फर्स्ट को किस में किया, इंटरचेंज हो रहा है, फर्स्ट का प्लेस 6 के साथ इंटरचेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम सेम वही करेंगे, फर्स्ट के 6 के साथ इंटरचेंज करेंगे, 6 पे आई है तो यहाँ हम आई लिख देंगे। क्लियर हो गया ये चीज़। सेकंड देखेंगे डी को एज इट इज़ इन्होंने लिखा है तो हम भी यू को एज इट इज़ लिख देंगे। फिर वी को देखेंगे इन्होंने आर लिखा है, आर कौन से प्लेस पे है, 8 पे, थर्ड को इन्होंने 8 के साथ इंटरचेंज किया तो हम भी थर्ड को 8 के साथ इंटरचेंज कर देंगे, और 8 पे अगेन आई है तो हम यहाँ पे आई लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है फिर हम जाएंगे फोर्थ पे, फोर्थ को एज इट इज़ लिया है, हम भी फोर्थ को एज इट इज़ ले लेंगे। फिफ्थ को देखेंगे एन है यहाँ पे, एन को इन्होंने इंटरचेंज किया है एस के साथ और एस का प्लेस है 10, तो 5 को किया है 10 के साथ तो हम भी 5 को 10 के साथ करेंगे। आर को जी, तो यहाँ पे हमने जी लिख दिया, ठीक है। देन 5 हो गया हमारा, हो सके तो आप इसको भी लिख लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है, 5 हो गया। अब हम 6 पे चलेंगे, अब यहाँ पे 6 को इन्होंने चेंज किया है ए, क्योंकि ए की जगह इन्होंने टी लिखा है तो ठीक है, तो टी को इन्होंने ए लिखा तो हम भी क्या करेंगे, ये इसको एस को हम फर्स्ट वाला लिखेंगे तो ये हो गया एस। अगेन 8th को इन्होंने क्या किया है, थर्ड के साथ इंटरचेंज किया है, ठीक है, यहाँ पे तो हम भी 8th को थर्ड के साथ करेंगे तो ये आर हो जाएगा। फिर 9th को इन्होंने एज इट इज़ ले लिया है, हम भी एज इट इज़ ले लेंगे, और 10th को इन्होंने 5th के साथ किया है, यहाँ देखिए 10th को 5th के साथ किया है, एस को एन लिखा है यहाँ पे तो हम भी जी के साथ 5th वाला आर लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा कोड बन गया आई यू आई पी जी एस आर एस यहाँ पे आर ई आर। क्लियर हो गया ये। 9th वाला एज इट इज़ था तो हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, यहाँ एन ही रहना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और 8th को इन्होंने थर्ड के साथ किया था तो आई को हमने 8th को थर्ड के साथ तो आई को हमने आर लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये तो हो गई कोडिंग डिकोडिंग जब आपके अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट हैं। और कुछ क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में ये भी पूछे गए हैं, जब अल्फ़ाबेट को कोड किया गया है नंबर्स में और वही कोडिंग जो है आपकी पूछी गई है नेक्स्ट लेटर के लिए, तो वो एग्ज़ाम्पल्स हम करेंगे उसके लिए भी 4 to 5 एग्ज़ाम्पल्स। लेकिन अगर हम सेम वीडियो में करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम एक नेक्स्ट वीडियो में जो है उस तरह के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।